जी बताइए। देखिए, देश के खिलाफ समय समय पर साजिशें होती रहती हैं और कहीं न कहीं से ये प्रायोजित विरोध हो रहा है। नुपुर शर्मा जी ने जो कहा, पार्टी ने संज्ञान लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रतिक्रिया स्वरूप जिन लोगों ने सड़कों पर उपद्रव किया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्रियाशील है। एक बात स्पष्ट कर दें, उत्तर प्रदेश की धरती पर किसी को भी ये छूट नहीं दी जाएगी कि प्रदेश को कोई आसान करने का प्रयास करे। पहले भी सख्त कार्रवाई किया है, आगे भी सख्त कार्रवाई करेंगे। बाकी दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सजग है, हर बिंदुओं पर नजर है। दिल्ली की भी सरकार पूरी घटनाओं का संज्ञान ले रही है और प्रदेश की भी सरकार पूरी घटनाओं का संज्ञान ले रही है। जल्दी ये मामला शांत हो जाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि जो भी हिंसा हुई ये ठीक नहीं थी, इस हिंसा से बीजेपी वालों को फायदा होगा। अब ये उनके विचार हो सकते हैं, फायदा नफा नुकसान देखकर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती, न हमारी सरकारें काम करती। देश हमारे लिए सर्वोपरि है, देश के लोग हमारे लिए सर्वोपरि हैं। देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उसका पालन करें। मंत्री जी, जिस तरीके से MHA ने पहले से ही अलर्ट कर दिया था, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पे दंगा हुआ, तो क्या ये अफसर लोगों का आप फ्लोर मानते हैं क्या? नहीं, कहीं फ्लोर फ्लोर योगी सरकार का ना 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 फ्लोर फ्लोर जैसा कोई ऐसा विषय नहीं है। कुछ हुआ है तो निश्चित तौर पर उसको हम लोग दिखवाएंगे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके, ये व्यवस्था सुनिश्चित करें। क्या आने वाले दिन में ये सुनिश्चित होगा कि अब कोई भी किसी भी के आस्था पे कुछ ना करे, कोई टिप्पणी ना करे, क्या ऐसा कोई कानून लाने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी के भी बयानों से, किसी के भी कर्मों से किसी के आस्था पर ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा है। मंत्री जी, जिस तरीके से शिवलिंग पे हमारे विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग पे लोगों ने जिस तरीके की अभद्र भाषा कही, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, संज्ञान ले रहा है प्रशासन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।